प्रसिद्ध समाजसेवी देवेंद्र कादियान ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके को सैनिकों के लिए यादगार बनाते हुए गन्नौर के प्रयास इंटरनेशनल स्कूल में सैनिक समारोह का आयोजन किया। पूर्व सैनिक संगठन पदाधिकारियों ने समारोह के दौरान ध्वजारोहण कर वीर शहीदों को याद किया। सैनिक सम्मान समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सांकेतिक रूप से पूर्व सैनिकों के सम्मान की शुरुआत की। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और देवा फाउंडेशन के माध्यम से देश सेवा करने वाले सैनिकों का सम्मान करने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए आभार व्यक्त किया। जमीन पे घर बनाया है मगर हम जन्नत में रहते हैं, बड़े खुश नसीब हैं हम सब जो भारत में रहते हैं। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उन वीर सपूतों को, उन माताओं को जिनके लालों ने अपने प्राण की आहुति देके इस देश को आजाद दिलाया और आज आप और हम इस जो खुली हवा में बैठे हैं, ऐसी माँ जिन्होंने वो सपूत पैदा किए और उन सपूतों के सिर झुका के नमन करता हूँ। नमस्कार। देवा सोशल मैनेजमेंट सोसाइटी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम हमारे सभी भाइयों के सम्मान में है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। और इस कार्यक्रम में जितने भी ये मूर्तियां यहाँ सम्मानित बैठी हमारी माता शक्ति बैठी है, वो या तो शहीद परिवार से आते हैं या शहीद परिवारों से आते हैं या तो वो भी शहीद है, फिलहाल जो शहीद है वो सारी मूर्तियां यहाँ पर बैठी है। उनके सम्मान में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हमारी जो संस्था है उसने इनको सम्मानित करने का आज एक कार्यक्रम रखा है। सौभाग्य से आज हमारे नेतृत्व में कार्यक्रम में जहां जो सरकारी कार्यक्रम था तो अध्यक्ष से हमने निवेदन किया आप इस नेपाल में शुभ काम में जोर प्रदर्शन करके उन सहयोग को हम कार्यक्रम के परिवार हमारे यहां पर पहुंचे हैं जो हमारे पड़ोस में पहुंचे हैं। मैं देश का धन्यवाद करता हूं जो समय निकाल के आए हैं और अभी मैंने जिन जिनके नाम दिए उन सभी हमारे देश के बहुत आर्मी में जिन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतर काम किया, देश की रक्षा के लिए स्वच्छता के लिए तत्पर खड़े रहे हैं, ऐसे सम्मान मंच का भी सम्मान करता हूं। एक निवेदन करना चाहता हूं, आज बारिश का मौसम बताया गया था वरना हमारे पास बाहर बहुत जगह आपको असुविधा हुई है उसके लिए विशेष रूप से माफी मांगता हूँ। वही प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने संबोधित करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देवा फाउंडेशन द्वारा किए गए सम्मान समारोह की तारीफ की और पूर्व सैनिकों सहित वीर शहीदों को नमन किया। स्वतंत्रता का दिवस और देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज जो सम्मान समारोह हुआ है इसके लिए मैं पूरी सोसाइटी को इस देश को आजादी दिलवाने के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की बाजी लगाई। कार्यक्रम के दौरान देवा फाउंडेशन द्वारा 1500 के करीब पूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। इस दौरान सभी के लिए देवा फाउंडेशन द्वारा भोजन की व्यवस्था भी की गई। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देवा फाउंडेशन द्वारा सैनिकों के सम्मान के लिए उठाए गए कदम की सराहना की और एक सवाल के जवाब में विधानसभा चुनाव में युवाओं को मौका देने और टिकट वितरण पर जवाब दिया।
70वां स्वतंत्रता दिवस के आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, देश और प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और उन सब शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपनी जान की आहुति लगाई। उन सब परिवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिन वीरों ने इस आज़ादी को मजबूत करने के लिए, बचाए रखने के लिए, ये आज़ादी हमारी बरकरार रहे, हमारी सीमाओं की सुरक्षा मैं अपनी जान की आहुति लगाई है, आज उन सब सैनिकों को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज अपने हाथों से आपने सैनिकों को जो है, वीर सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया, क्या कहेंगे सर? ये जो वीर हमारे शहीद होते हैं देश के लिए और जो उनका परिवार होता है उसको सम्मान करना समाज का कर्तव्य होता है और आज देवा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में सभी शहीद परिवारों को सम्मान देने का बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर हुआ है। मैं सोसाइटी के तमाम कार्यकर्ताओं को और देवेंद्र कादियान जो इसके आयोजन करता है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समय पर देश में और प्रदेश में चुनाव होंगे, पहले भी इसी प्रकार से हुए हैं और एक दो दिन आगे पीछे हो जाए वो कोई बड़ी बात नहीं होती। अक्टूबर में हरियाणा प्रदेश में चुनाव ड्यू है, अक्टूबर में ही होंगे। ये हमेशा से ही होता रहा है और कुछ लोगों को नई टिकटें मिलती हैं, कुछ को, एक आध को कुछ दूसरी जिम्मेवारी मिल जाती है, काम सबको मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और समाज की अन्य सोसाइटियों के द्वारा भी पूरे देश की बहुत सारी संस्थाओं ने तिरंगा यात्राएं निकाली है, जिन्होंने इस 9 तारीख से 15 तारीख तक देश में तिरंगा यात्राएं निकाली है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सभी का धन्यवाद भी करता हूं। वही समाज सेवी देवेंद्र कादियान ने आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देवा फाउंडेशन हर वर्ष सम्मान समारोह मनाता आया है। इस वर्ष का सम्मान समारोह सैनिकों के साथ मनाया गया है जिसमें गन्नौर विधानसभा के पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो सब वीर बलिदानियों के कारण है। इससे पहले आज इंडिपेंडेंस डे है, सबको शुभकामनाएं। हमारी आज़ादी का पर्व है, हमारे भारतवर्ष में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है और आज का जो ये कार्यक्रम था देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सैनिक सम्मान समारोह, हम हर साल ये समारोह करते हैं। अब की बार हमने ये सैनिकों के बीच में किया है, बीच में 3-4 साल जैसे कोविड में कार्यक्रम नहीं कर पाए, उससे पहले 2 बार और हमने ये कार्यक्रम किया है तो ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ आज इस कार्यक्रम में इस गन्नौर विधानसभा के वो भी परिवार पहुँचे जिनके वीर सपूतों ने इस देश के लिए जान दी, अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको मंच पे लाकर उनको सम्मानित किया है और पूर्व में जितने भी सैनिक हमारे क्षेत्र में आते हैं, उम्मीद ये है कि शायद 1100 कुछ लोग पहुँचे हैं इस कार्यक्रम में और जो हमारी संख्या है सैनिकों की, जो हमने डाटा निकाला था वो लगभग 1400 कुछ था, कुछ अपने कार्य में बिजी थे, कोई बाहर थे, तो उनके घर तक भी हम उनका जो सम्मान है उनको जो हमने एक मेमेंटो बनवाया है ताकि उनको भी एक प्राउड फील हो, आपने देश के लिए इतना समय दिया है। पहले तो सैनिक देश के लिए समय देता है, बाद में समाज के लिए देता है, समाज को किस तरीके से अनुशासित करना है, कैसे चीज़ें ठीक करनी है, तो ये जो कार्यक्रम है वो सैनिक सम्मान समारोह में रखा गया, सैनिकों के सम्मान में रखा गया। देखिए जैसे मैंने बताया भारतवर्ष का ये महापर्व है जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और जिन शहादतों की बदौलत आज आप और हम यहाँ बैठ पा रहे हैं, खुली हवा में जो सांस ले पा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का इन सभी सैनिक भाइयों के बीच में हमारी संस्था ने ये कार्यक्रम तय किया कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब देंगे, जब हम जितने भी हम अपने आसपास के सैनिकों को सम्मान दें, उनको याद करें कि भाई आपने देश के लिए समय दिया है बॉर्डर पे, अलग अलग मौसमों में, कोई बर्फ़ में, कोई रेगिस्तान में, कोई कहीं, तो सैनिकों को शहादत, जो हमारे वीर सपूत रहे उनको शहादत देने का ये कार्यक्रम था और सैनिकों के सम्मान में रखा। जो आ नहीं सके हैं तो उनके घर हमने मेमेंटो और जो भी हमने सम्मान उनके लिए बनाया है उनके परिवारजनों को उनके घर तक पहुँचाएंगे। देखिए आपका सवाल बहुत वाजिब है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बदलाव देश में हुआ है और बहुत बड़े बदलाव की गुंजाइश है। जब देश में जो लोग प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रदेश में कर रहे हैं, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी हैं, उनके आने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं
और बहुत सारी चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है। तो जब हम जो सियासती जो लोग हैं वो जब स्वस्थ आएंगे, अच्छे लोग आएंगे जिनकी मानसिकता अच्छी है और जो देश के और देश के तिरंगे से प्यार करते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। धरातल पे अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। हम समझते हैं आज से यदि मैं पिछले 20-25 साल पहले मैं राज्य में अंतर देखूँ तो दिन रात का अंतर है। और उम्मीद ऐसी करते हैं कि जिस तरीके से देश जिस राह पे चला है, आज जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश की बात है, वो आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं जिनको समझ है एक आम किसान की क्या पीड़ा है, एक मजदूर की पीड़ा क्या है, गरीब आदमी की पीड़ा क्या है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसलिए ठीक हुई हैं, जो देश का और प्रदेश का नेतृत्व है वो एक आम जन है, आम परिवार से निकल के आए हैं और बहुत सारी चीज़ें ठीक होने के लिए तैयार रखी। देखिए बहुत सुधार हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% हो गया है। जो सर छोटू राम जी ने कहा था वो एक दौर हमने भी देखा है कि मतलब कितना वो देश के तंत्र पे हावी थे, और मैं समझता हूँ हम आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं थे। लेकिन अब जो युवा है, जो नौजवान, वो हर चीज़ को समझता है और दिन प्रतिदिन इन चीज़ों से हम बाहर निकल रहे हैं। उम्मीद है कि देश बहुत जल्दी, जैसे पहले सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए जो मैंने थोड़ी देर पहले जो विषय रखा कि आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति आज यदि देश की सत्ता को चला रहे हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्य नायब सैनी जी हैं, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो ये इनके आने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। और यदि यही चीज़ें, क्योंकि कोई भी चीज़ साल, दो साल, पाँच साल में ठीक नहीं होती। हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है, बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हैं, उनको व्यवस्था में तब्दील करने के लिए समय लगता है। और मैं समझता हूँ वो एक एक करके स्टेप वाइज चीज़ें ठीक हो रही हैं। देख लिए यहाँ जितने भी सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, इन सबको न केवल उम्मीद है, ये बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि पिछले लगभग 8 साल से मैं पार्टी में हूँ, और मैंने जितना समझा है यहाँ आम परिवार के जो नौजवान निकल के आते हैं उनको मौका दिया जाता है, ना कि परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसलिए इन सब की भावनाएं हैं, और हमने गन्नौर के लिए गन्नौर को बदलने का बेड़ा उठाया है, गन्नौर को नया गन्नौर बनाने का बेड़ा उठाया है, और मैं समझता हूँ इसमें पूरे गन्नौर की भागीदारी होगी। और आज किसी भी कार्यक्रम में इस तरीके का हम जोश देखते हैं, जैसे हर कोई देवेंद्र बन के आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है इस गन्नौर को बदलने की। सब ने एक धुन सवार सी हो गई है कि गन्नौर हम सब मिलके बदलेंगे। भारत स्तर पे चल रहा है और कई दिन से कार्यक्रम चल रहा है, मैं भी शामिल हुआ था, हमारे मंत्री जी गन्नौर में आए थे, नेपाल डांडा जी। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा संदेश है, जो नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उनको अपने तिरंगे के प्रति उनको उनकी अटैचमेंट हो और तिरंगे की वैल्यू का पता चले। कई बार बहुत सारे लोग, सियासती लोग, सांप्रदायिक चीज़ें बीच में लेके आते हैं, इस तिरंगा यात्रा से एक सद्भावना जागेगी, प्यार प्रेम आपस में जागेगा, तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ सरकार को ये तो हर ओकेजन पे, वो चाहे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बात हो, 15 अगस्त की बात हो, तो ये सारी चीज़ें नए वर्ष में भी हम कर सकते हैं। सैनिक जो होता है वो अनुशासित व्यक्ति होता है, वो आधा जीवन देश के लिए बॉर्डर पे देता है, अलग अलग मौसम में, कहीं बर्फ़ में, कहीं गर्मी में, कहीं बाद में समाज को ठीक करने के लिए, अपने आस पड़ोस के माहौल ठीक करने के लिए अपना पूरा जीवन दे देता है, उसको अनुशासित करने के लिए। मैं समझता हूँ सैनिक की जो परख है वो आम आदमी से ज़्यादा परख होती है, कौन व्यक्ति काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है, किस आदमी की सोच अच्छी है, किसके विचार अच्छे हैं, वो स्वयं में समझते हैं। और मैं समझता हूँ सैनिक जो भी फैसला लें, मैं अपने लिए नहीं, किसी के लिए भी जो भी फैसला लेंगे वो बेहतर ही हो। कार्यक्रम के उपरांत जगत महान न्यूज ने सम्मानित सैनिकों से बात कर जानने का प्रयास किया कि देवा फाउंडेशन के इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं। मैं संतोष जी उसके ऊपर पूर्व सैनिक सूबेदार राजवीर सिंह राठी का उत्साह से, और मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं कि अपनी देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए हमेशा आगे से आगे आने का कष्ट करें और अपने पूर्वज उनकी नक्शे कदम पर चलें। और जिस तरह से देवा समिति ये आयोजन कर रही है, इसको हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इनको अच्छे से सहयोग देना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि हर साल
ऐसे ही इसको मनाता ही है और हमारे जो नौजवान हैं उनको आगे से आगे देशभक्ति के लिए आना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो पूर्व सैनिक और सैनिकों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और देवेंद्र कादियान जो गन्नौर हल्के के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसका बहुत ही शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी वो ऐसे ही सेवा करते रहे। जय हिंद जय भारत का सम्मान समारोह बहुत बढ़िया था। आज 15 अगस्त का दिन है, देश को आज़ादी मिली थी, इसके उपलक्ष्य में 77 साल होने के बाद आया गया यहाँ देवा वेलफेयर की तरफ से हमारा सम्मान किया गया, हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं। आज तक सैनिकों का किसी ने भी सम्मान नहीं करा जो इस बेटे ने हमारा करा है। और आज हमारे गांव के विधवाओं को, उनकी औरतों को, उनकी वीर नारी को, उनके परिवार को, वेटनर को, सबको सम्मानित कर दिया है। हम गदगद हो गए हैं और बेटे को इसके लिए ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि ये याद रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद। देवा कल्याण समिति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर तीनों फोर्सेस के रिटायर्ड पर्सनल को बुला के इनका जो स्वागत किया है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन कार्य है। और जो सेना में अपनी पूरी लाइफ गुजार के आए हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर इस किस्म का सम्मान उनकी एक रिस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। और मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो हम रिटायर्ड सभी भाइयों को इकट्ठा करके मिलाया और ये सम्मान दिया। मैं रिटायर्ड कमांडर धनखड़ फ्रॉम थुंगडू, ये देवा सोसाइटी की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, ये पूरे इलाके के सैनिकों को इकट्ठा किया है और इसमें सद्भावना, भाईचारे और दूसरी जो कॉमरेडरी है सिपाहियों के मिलिट्री फ्रेटर्निटी के अंदर, ये अच्छी बात है। वी विश ऑल द बेस्ट टू द देवस। तो अच्छा है बेटे, क्या करेंगे, जो बोलोगे जो कराएंगे। देवेंद्र के बारे में क्या? हाँ, देवेंद्र है हमारा, तो जाना है हम देवेंद्र ने। हाँ, आपके क्या पति थे? हाँ, मेरे आदमी थे। दरपाया कह गए, रिटायरमेंट होकर सुविधा रिटायरमेंट थी। अच्छा लगा। आदर साहब का भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर झज्जर के अंदर रैली करी थी सैनिक सम्मान के लिए। उसके अंदर मोदी जी ने एक ही वादा किया था, वन रैंक वन पेंशन, जो कोई निभाल कर सका था वो ये लेके आया। आज का सम्मान समारोह बहुत ही बढ़िया सम्मान समारोह लगा। इससे मैं तो ये कहता हूँ कि भाई देवेंद्र कादियान की जो छवि है ना सैनिकों के लिए प्रति और सैनिकों के परिवार के लिए, ये देशभक्ति में काउंटिंग होती है, न कि एक परिवार सम्मान मिलन समारोह, ये एक उसका देशभक्ति का जज्बा दिखाता है। अच्छा लगा है। मैं SKDH ऑनरे फ्लाइंग ऑफिसर SKDH का पोता हूँ और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है अपनी डिफेंस एकेडमी, और हमारे जो देवेंद्र कादियान जी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, हमारे सम्मानित किया है। और किसी ने भी कोई जो हमारी पिछली सरकार थी उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया जो हमारे देवेंद्र कादियान ने किया है। देवेंद्र कादियान ने सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा काम कर रहा है, गन्नौर की सेवा कर रहा, सभी की सेवा कर रहा और आगे भी हम भी भाई के साथ रहेंगे। बलवान जी नए बास के। मैं गन्नौर से हूँ, मैं वार्डसर धर्मपाल हूँ और जो देवेंद्र कादियान ने मेरी 70 साल की उम्र में आज तक किसी ने जो सम्मान नहीं दिया वो सम्मान इसने दिया है। सुरेश कुमार आवलाना से, क्योंकि आज जो हमारे को सम्मान मिला है ऐसा कभी नहीं, आज तक सम्मान नहीं मिला था, क्योंकि एक ये देश के सैनिक का बहुत ही अच्छा है, और तो कहीं सम्मान है नहीं, लेकिन इन्हें बहुत अच्छा किया है। तो देवेंद्र जी का दान ने हमारा स्वागत किया है 15 अगस्त को, ये बहुत एक सराहनीय चीज़ है।
और देशभक्ति के लिए एक शायर है और एक उदाहरण में एक एग्जाम्पल पेश करते हैं कि बाकी को गवर्नमेंट पूछती नहीं, देवेंद्र कादर जी सैनिकों का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं। थैंक यू। गन्नौर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।